नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने की पहल शुरू हो चुकी है। जयपुर हेरिटेज निगम के महापौर मुनेश कुजर ने इस अभियान की शुरुआत की है। अब अधिकारी रोज सफाई की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर परकोटे में हर रात सफाई की जा रही है। नगर निगम हेरिटेज के स्वास्थ्य उपायुक्त नूर मोहम्मद खान ने बताया, मुख्यमंत्री के आदेश पर कमिश्नर साहब ने मीटिंग कर सफाई अभियान को तेज करने को कहा है। इसमें अभी मेन पावर और कुछ अन्य संसाधनों की कमी है, इसे जल्द ही दूर करने को कहा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। अभी जयपुर हेरिटेज के परकोटे में कुछ बाजारों और गलियों में सफाई अभियान शुरू किया गया है। नूर मोहम्मद खान ने बताया कि 45 सफाई कर्मचारियों के जरिए पहली चरण में बड़ी चौपड़, चांदपुल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार और कृष्णपुल बाजार को शामिल किया गया है। इसमें दो रोड क्लींजिंग मशीन, 18 हुपर, एक यूनिट जिसमें एक जेसीबी, एक डंपर और एक ट्रैक्टर लगाए गए हैं, जो रोज रात को सफाई कर रहे हैं। देर रात तक सफाई कर्मचारियों को लगातार शहर के पूरे कचरे को उठाया जा रहा है, ताकि दिन भर का कचरा रात को भी साफ हो जाए। इससे सुबह मंदिर जाने वाले लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद बाजार खुलने के बाद एक बार फिर से सफाई करवाई जा रही है। राजस्थान में फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। दो दिन पहले जैसलमेर में दो पॉजिटिव मिलने के बाद गुरुवार को जयपुर के महिला चिकित्सालय में 16 दिन का नवजात और एसएमएस अस्पताल में एक 48 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया। नवजात के परिजन भरतपुर और एसएमएस में मिला व्यक्ति झुंझुनू का रहने वाला है और 4 दिन पहले सर्जरी कराने के लिए भर्ती हुआ था। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए संक्रमितों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। देश में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 पाए जाने के बाद से ही चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमित नवजात और 48 वर्षीय व्यक्ति के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही नए वेरिएंट का पता चलेगा। यदि जीनोम सीक्वेंसिंग में वायरस के एंटीजन में ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं तो वायरस खतरनाक नहीं होगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये वायरस फैलने वाला है। देश के जिन केसेस में JN.1 आया है वहाँ भी ज़्यादा फैला नहीं है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सामरा का रहने वाला शिक्षक हरि सिंह गुरुवार को विधानसभा के बाहर सिर पर चप्पल लेकर और हांडी लटकाकर पहुंचा। वो शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने उन्हें बिना वजह हटा दिया। वो सरकारी बालिका स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हरि सिंह का कहना था कि झूठे आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाया गया, इसलिए इंसाफ मांगने सिर पर चप्पल रखकर हांडी गले में लटकाकर आया हूँ। विधानसभा के गेट पर खड़ा होने पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस बीच जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचारी विधानसभा में अंदर जाने के लिए पहुंचे। बालमुकुंदाचारी ने सिर पर चप्पल रखे एक शिक्षक को पुलिस वालों को हटाते देखा तो अपनी कार रोकी और अपने पास बुलाकर पूछा कि आखिर क्या परेशानी है, सिर पर चप्पल रखकर क्यों आए हो। तब शिक्षक ने अपनी व्यथा सुनाई और ज्ञापन की एक कॉपी बालमुकुंदाचारी को थमाई। उसकी हालत देख बालमुकुंदाचार्य कार से उतरे और कहा कि अब पिछली साल का कुशासन खत्म हो गया है और सुशासन आ गया है। आपको पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया, आपने उस सरकार को डिलीट कर दिया, आपको इंसाफ मिलेगा। बालमुकुंदाचार्य ने सबसे पहले उसके सिर से चप्पल हटाई, फिर गले से हांडी निकाली, फिर कार से दुपट्टा निकाला और पहनाकर सम्मान दिया। राजस्थान में इन दिनों तबादलों का दौर जारी है। IAS, IPS और PCS के तबादलों के बाद अब तहसीलदारों के बड़े स्तर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजस्व मंडल अजमेर ने 24 तहसीलदारों में 23 नायब तहसीलदारों का तबादला करने का निर्देश दिया है। तहसीलदार नंदलाल डिडारिया को सीकर, नरेंद्र सोलंकी को भीलवाड़ा और संदीप कुमार का अजमेर में तबादला कर दिया गया है। वहीं भगवती लाल जैन को बांसवाड़ा, मनोज कुमार गांग को ब्यावर और नरेंद्र कुमार भाटिया को चित्तौड़गढ़ का तहसीलदार बनाया गया है। राजस्व मंडल अजमेर ने निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही तहसीलदार रतनलाल मीणा को चूरू, ओम प्रकाश शर्मा को जयपुर, प्रादेश्याम राठौड़ को झालावाड़, दुर्गालाल को करौली, सुनील कुमार को नागौर, डूंगरमल को सलूम्बर, ललित कुमार डीडवानिया को उदयपुर, बाबूलाल मीणा को अजमेर, मंगलराम मीणा को बांसवाड़ा में तहसीलदार के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला प्रदेश के मकराना में निकलने वाले संगमरमर से तैयार वेदी पर विराजमान होंगे। ये वेदी 3 फीट 4.5 इंच ऊंचाई,
6.4 x 8.1 फीट चौड़ाई की है, जो बनकर तैयार हो गई है। ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात रही कि सर्वाधिक तपने वाले प्रदेश के सबसे शीतल पत्थर से वेदी तैयार करने वाले कुशल कारीगर भी यहीं से गए हैं। इस पत्थर को मकराना से निकाला गया है, जिसे घड़ाई के बाद वेदी पर जड़ा गया है। संगमरमर से तैयार हुई इस वेदी पर रामलला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान हो जाएंगे। रामलला को विराजमान करने के लिए मकराना सफ़ेद संगमरमर पत्थर को चुना गया। इसकी खासियत ये है कि चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो, ये पत्थर शीतल ही रहेगा। साथ ही वक्त बढ़ने के साथ इसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में ही नक्काशीदार सफ़ेद मार्बल जड़ा गया है। इसे मंदिर के फर्श में भी उपयोग किया गया है। गर्भगृह के निर्माण में 13,300 घन फीट नक्काशीदार संगमरमर का उपयोग हुआ, जबकि 95,300 वर्ग फीट मार्बल फर्श और क्लेडिंग के लिए काम में लिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।